हेलो लर्नर, ये आपकी क्लास 7 है, यूनिट 6, पेपर कोड 01, इकोनॉमिक्स की। और इस क्लास में हम कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉलिन क्लार्क हाइपोथेसिस जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बेस्ड थ्योरी है और इसे कॉलिन क्लार्क ने दिया है। इस थ्योरी का एक अदर नेम है क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस। कॉलिन क्लार्क ने इस थ्योरी में बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस थ्योरी में कि उन्होंने कहा है कि एक लिमिट होना चाहिए, एक क्रिटिकल लिमिट बताया है पब्लिक एक्सपेंडिचर का और वो है 25%। 25% लिमिट बताया है। और ये जो थ्योरी है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली बेस्ड है टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन पे। टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन की बात की है। टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी टैक्स पेयर जितना वो एबल है टैक्स पे करने के लिए और उसके साथ ही वो इकोनॉमिक बिहेवियर जो है उसे भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो एक लेवल सेट करती है टैक्स का। जैसे कि आपका सिगरेट हुआ, अल्कोहल हुआ, इन सब पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाई हुई है। वो क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिक बिहेवियर जो है उस कंसेप्ट को ध्यान में रखती है, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए और वो टैक्स लगाई है। तो इसे ही कहा जाता है टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्स, टैक्सेशन। और ये जो थ्योरी है ये कब डेवलप की गई थी? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ये डेवलप की गई है ये थ्योरी। इस थ्योरी में बेसिकली दो बातें की गई है, टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन की बात और सेकेंड वन इज 25% एक क्रिटिकल लिमिट है जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात की गई है इस थ्योरी में। व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर रीचेस 25% ऑफ द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, द टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे मोर टैक्स इज एग्जॉस्टेड। पब्लिक एक्सपेंडिचर बियॉन्ड दिस लिमिट मीन्स दिस इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स एंड फॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू टैक्सेशन बियॉन्ड टॉलरेंस लेवल। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स भी ज़्यादा पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा तय कर देती है। तो जब टैक्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो टैक्स का जो टैक्स अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि लोगों का सेविंग जो है वो भी कम हो जाएगा और सेविंग कम होता है तो वो इन्वेस्टमेंट भी है वो कम कर देते हैं और फाइनली इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसके बारे में चर्चा की गई है ये हाइपोथेसिस। ये जो हाइपोथेसिस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं और आपका एग्जाम में बस यही आता है कि कॉलिन क्लार्क के द्वारा जो क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस है उस हाइपोथेसिस में पब्लिक एक्सपेंडिचर का लिमिट जो है वो क्या बताया है कॉलिन क्लार्क ने, तो वो है 25%। बस इतना ही की बात की गई है इसमें और टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन की बात की गई है। अगर आपको आगे इसके बारे में और अच्छे से मतलब कुछ अगर पढ़ना है तो वो आप इसे रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस यही बात की गई है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो जब एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है वो भी ज़्यादा टैक्स, उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स मांगती है और जब गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स मांगती है तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, आपका जो सेविंग है, सेविंग जो है वो कम हो जाता है और सेविंग कम होता है तो इन्वेस्टमेंट है जो वो भी कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट कम होता है तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ता है और प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाता है। तो इसके द्वारा ही जो ये एडजस्टमेंट है डिमांड और सप्लाई में ये भी इफेक्ट करता है और इन सब से क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी जनरेट हो जाता है। क्योंकि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड जो है वो भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है तो डिमांड जो है वो भी राइज करता है और डिमांड राइज कर रहा है तो इन्फ्लेशन जो है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइस जो है वो डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपका प्राइस जो है वो भी बढ़ते जाएगा और प्राइस ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो फिर इन्फ्लेशन जो है वो भी जनरेट होगा और उससे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, उस दोनों के बीच एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसी की बात की गई है और फिर वही है कि 25% जो है वो लिमिट तय की है। बस इतना ही था इस कॉलिन क्लार्क क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस में। तो थैंक यू लर्नर, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।